नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पिज्जा। आइए पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल पिज्जा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए पिज्जा बेस। मैंने एक पिज्जा बेस लिया है। पिज्जा बेस कैसे बनाते हैं आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। एक टमाटर क्यू साइज में काट कर लिया है, एक शिमला मिर्च भी क्यू साइज काट कर लिया है, एक प्याज क्यू साइज में काट कर लिया है, चीज मैं छोटा वाला क्यू साइज चीज लिया है, तो बटर, पिज्जा सॉस। अब हम ये सब्जी को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया, गैस ऑन कर दिया। इसमें थोड़ा सा बटर डाल लेंगे। बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम ये सब्जी इसमें डाल लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम पिज्जा बेस तैयार करेंगे। मैंने एक प्लेट में पिज्जा बेस रख दिया है। इसका ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। हल्का सा बटर इस तरह लगा देंगे। इसका पूरा पिज्जा सॉस डाल देंगे। इसको चारों तरफ इस तरह फैला देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चीज कद्दूस करके डाल देंगे। इसके ऊपर ये सब्जी इस तरह रख देंगे। इस तरह हम सारा सब्जी रख देंगे। प्याज को भी इस तरह रख देंगे। ये देखिए पिज्जा का ऊपर मैंने सब्जी डाल दिया है। अब हम इसका ऊपर ये चीज डाल देंगे।
कद्दूस करके इस तरह डाल देंगे। मैंने छोटा वाला चीज लिया है, बड़ा वाला चीज भी ले सकते हैं। आज पिज्जा हम कढ़ाई में बनाएंगे। मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दिए है, गैस ऑन कर दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम ये पिज्जा इसमें रख देंगे, फ्लेम सिम करेंगे और इसको ढक देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। 10-12 मिनट हो चुके हैं, अब हम पिज्ज़ा चेक करेंगे। ये देखिए चीज पिघल चुका है, पिज्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और पिज्ज़ा को इसमें थोड़ी देर रहने देंगे। ये देखिए पिज्ज़ा तैयार हो चुका है, मैं एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया बना है पिज्जा। आप ये वेज पिज्जा घर पर बनाइए, खाइए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।